हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टेक इन द टिप्स में। मुझे उम्मीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ है सबसे स्पेशल गेस्ट सतीश भाई का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के भाई हमारे चैनल के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई भाई ने, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई को कहना चाहूँगा। और भाई आप बताइए कुछ। तो सबसे पहले तो हरिओम भाई, थैंक यू सो मच अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। और फिलहाल मैं आया था दिल्ली कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए। तो हरिओम भाई ने बोला था कि कुछ वीडियो करते हैं साथ में, तो मैं बोला चलो भाई करते हैं साथ में। तो एक वीडियो मेरे चैनल पर भी जाएगा, तो आप लोग जरूर देख लेना। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है YouTube वर्सेस ब्लॉगिंग। भाई ब्लॉगिंग भी करते हैं, YouTube चैनल भी है, और सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो जाके चेकआउट जरूर करें। और दोस्तों ये बोलूंगा कि YouTube ब्लॉगिंग दोनों के बारे में आज बताएंगे, कुछ आपको किसी चीज़ की अच्छी बातें बताऊंगा, कुछ बुरी है, जो भी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हरिओम और आप देख रहे हैं टेक इन द टिप्स YouTube चैनल। दोस्तों YouTube पे और ब्लॉगिंग दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात करी जाए YouTube की, तो YouTube पे यार बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि अर्निंग भी करना चाहते हैं और फेम भी कमाना चाहते हैं। बट ब्लॉगिंग में क्या है भाई, फेम भी आता है, पैसा भी आता है, क्या बताएंगे आप? ब्लॉगिंग में फेम उतना ज़्यादा नहीं है जितना YouTube पर है। ब्लॉगिंग में आप सिर्फ मतलब पैसे ज़्यादा कमा सकते हो, और इन्फ्लुएंस पावर मतलब कुछ ज़्यादा ही होता है ब्लॉगिंग में, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है तो लोग लिखे पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं। अच्छा, कुछ लिखी हुई चीज़ें जब रहती हैं तो लोग प्रूफ के तौर पे दिखा देते हैं कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अभी YouTube का जो है थोड़ा सा नया है, वीडियो के रूप में कुछ बताना, ये थोड़ा और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन YouTube पर अगर YouTube और ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉगिंग में पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं अभी तक, और YouTube में फेम ज़्यादा मिलता है। अच्छा, तो एक और चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, YouTube को क्या हम लॉन्ग टाइम ले जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते हैं। और ब्लॉगिंग को? ब्लॉगिंग में वो डिपेंड करता है आप किस कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट आपका है जिस पे आप वर्क कर रहे हो। हो सकता है बहुत सारे लोग क्लिक बेट करते हैं, जिनको थोड़े समय से मतलब होता है कि चलो आज का काम हो गया मेरा, मतलब बाद के लिए नहीं सोचते। कुछ लोग क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं कि हाँ चलो एक कंटेंट एवरग्रीन रहेगा, और जब भी जब इसको लोग देखेंगे तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा, मतलब उनको उनके काम के लिए रहेगा। तो ऐसे में आपका लॉन्ग टर्म चलेगा YouTube हो चाहे ब्लॉग हो, वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। तो भाई ने बताया कि YouTube और ब्लॉगिंग में तो पैसा भी है अच्छा खासा यार, और फेम भी कमा सकते हो। और मेन चीज़ है यार, सबसे ज़्यादा चीज़ रहती है कि हाँ भाई टाइम लगता है ब्लॉगिंग में, सबसे ज़्यादा ब्लॉगिंग में टाइम लगता है भाई। दोनों में टाइम लगता है, दोनों में नहीं। YouTube तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत सी वीडियो वायरल हो, सारे लोग लकी होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं नहीं ग्रो कर पाते। और YouTube पे मेरा ही देख लो, मैं मतलब मेरे को इतना टाइम हो गया फिर भी अभी 90,000 सब्सक्राइबर अभी हुए। हाँ तो भाई ये कि YouTube में थोड़ा मतलब टाइम भी देना, टाइम भी लगता है, बहुत सारे लोग का जल्दी हो जाता है। और ब्लॉगिंग में मतलब मिनिमम जैसे कि आपको अभी तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है, फिर भी आपको कम से कम 1-1.5 साल तो देना ही पड़ेगा YouTube में भी लगभग यही है, छः महीने तक आपको कंपटीशन मतलब करना पड़ेगा। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि YouTube पर आप कैसे कंटेंट बनाओगे तो आगे आ पाओगे, क्योंकि आपको चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो। तो ऐसे तो है नहीं कि आपको पहले से मतलब पता है कि कैसे वीडियो बनाते हैं, कौन सा मैं कंटेंट बनाऊँ तो ज़्यादा चलेगा। आप भले दूसरों की वीडियो देख के जज कर सकते हो कि हाँ ऐसा वाला चल रहा है, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको मतलब वो फील आएगा, कह रहे यार नहीं मेरे को कुछ अलग करना है, तो ऐसा सीन हो जाता है। तो उसको समझने के लिए आपको 6 महीने 1 साल लग जाते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं YouTube की जगह सोचते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, फिर घूम फिर के YouTube पे आते हैं। YouTube आप स्टार्ट करने के लिए नहीं आते, YouTube कुछ रुपए भी नहीं लेता, मतलब शून्य, ना ही कोई क्वालिफिकेशन है कुछ, मगर ब्लॉग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, होस्टिंग लेनी पड़ेगी, डोमेन लेनी पड़ेगी, उसके साथ ही आपको पोस्ट लिखनी है, तो अच्छी खासी आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर उस मेन चीज़ जैसे देखो, YouTube पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू मैं करता हूँ, तो उन लोगों ने यही बोला कि YouTube पर अगर आपको आना है तो आप पैसे कमाने के मकसद से मत आओ, आप कुछ मतलब अपना चीज़ें अपनी चीज़ें शेयर करो, लोगों को बताओ, अगर लोग आपको पसंद करते हैं ना तब आप पैसे कमा सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो ना, तो पैसे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पैसे जब देखोगे तो आपसे काम हो नहीं पाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं ऐसा है। जैसे जैसे आप बाद में फेमस होने लगते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप, इंडोर्समेंट ये सब मिलने लगती हैं, तो आपको वहाँ पे पैसे दिखते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आपको लोग पसंद करें, आपकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्लिक बेट नहीं, आपके नाम की वजह से लोग वीडियो देखें। तो उस दिन समझो अगर आपका नाम हो गया ना YouTube पर, तो उस दिन समझो आपके पास पैसे बहुत आएंगे। तो एक और चीज़ सतीश भाई, आपने ब्लॉगिंग के लिए भी बोला कि ब्लॉगिंग में पैसे लगते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप मतलब कहीं भी इंटरनेट पर अपना दुकान चाहते हो, आप नॉर्मल ऑफलाइन भी देखो दुकान लेने के लिए, आपको मार्केट में दुकान लेने के लिए लेना पड़ता है रेंट पे, वैसे ही आपको रेंट पे आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो होस्टिंग लेनी पड़ती है, वो तो बेसिक चीज़ है।
तो लेनी पड़ेगी। और यूट्यूब आपको 45% अर्निंग ले लेता है, इसी वजह से होस्टिंग की वजह से ही ले लेता है, होस्टिंग की ये चीज है। तो एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि सतीश भाई ये बात बताइए, नाम कमाना है तो यूट्यूब बेस्ट है? बेस्ट है। पैसा कमाना है, दोनों में से एक चीज यूट्यूब वर्सेस ब्लॉगिंग? देखो अगर आपका नाम होगा ना तो आप पैसे भी कमा लोगे। लोग कुछ ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ भाई हमें नाम आम से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पैसे ही कमाना है। बहुत से तो यूट्यूब गंदा होता जा रहा है, यूट्यूब गंदा होता जा रहा है, होता जा रहा है इसी वजह से। तो भाई आपके अंदर कोई जो जेन्युइन टैलेंट है ना, फिर आइए यूट्यूब पे। नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर आइए, आप आओ देखो बनाओ। अगर आपके कंटेंट को लोग पसंद, देखो आज के टाइम पे कोई कुछ भी पसंद कर सकता है, वो तो है ही, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं आता था 2 साल पहले, लेकिन जब मैं यूट्यूब पर आया तो बोलना सीखा। हाँ वो तो है, हर धीरे धीरे मतलब उस तरह से ढलने लगे, जो आसपास से चीज़ें थी वहाँ से सीखने लगे, दूसरों को देख के इंस्पायर हुए कि हाँ चलो ऐसी भी चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने भी कोशिश करी, तो ऐसे सीख जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही सीख के आओ, नहीं ऐसा कोई नहीं है भाई। कोई इंटरेस्ट देखो, पहले आपका इंटरेस्ट किस में है उस चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश करो बस। तो भाई बता दूंगा, कोई भी पहले से कोई सीख के आता नहीं है, और हर कोई आने के बाद ही सीखता है, और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में। जब कोई भी काम करो यार, का भी नाम ले लो, जो भी यूट्यूब पर फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है वो लोग का, अगर आप पहले वीडियो देखो, पहली वीडियो हाँ, तो अभी का वीडियो देखो, बहुत बहुत डिफरेंस मिल जाएगा आपको सारा का सारा। मतलब यार क्या बोला, घूम फिर के सारी बात आती है, मेहनत करो यार। और अपना वही चीज है कि कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करना है, मतलब रेगुलरली कंसिस्टेंसली आपकी मतलब मेहनत करो, और बस यार कुछ नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं। और तो अगर बेसिकली मैं बताना चाहूँ, यूट्यूब और ब्लॉगिंग कोई भी चीज डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट, आपके पैसन पे डिपेंड करता है। ब्लॉगिंग भी जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना कंटेंट बनाने में लिखने में, तो आप नहीं कर पाओगे। आप पैसे के लिए 1 साल 1.5 साल वेट नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए जाओ। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ना, उसमें आपको मजा आ रहा है उस चीज़ को करने में ना, तो आप बहुत आगे तक कर ले जाओगे और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए चीज़ों को करते हैं ना, तो नहीं तो हो पाते वो चीज़ गलत, क्योंकि वो हर चीज़ में हिसाब लेना चालू करते हैं। यार मेरे एक वीडियो को बनाया, 5,000 खर्चा आए, कब निकलेगा है पैसा, मैंने इतना कैमरा ले लिया, मैंने कंप्यूटर ले लिया, ट्राईपॉड ले लिया, ये सब ले लिया, तो ये कैसे निकलेगा, तो उस सब के चक्कर में पड़ने लगते हैं। लेकिन अब अगर आपने कैमरा लिया है वीडियो बनाने के लिए, आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, और वो वीडियो आपकी दिख सकती है, मतलब यूट्यूब पर जाएगी तो वहाँ से पैसे भी मिलेंगे, तो ये तो अच्छी बात होगी ना कि आपके पैसन ने ही आपको पैसा कमाना सिखा दिया। सही बात, सही बात, वहाँ पर हो सकता है। लेकिन अभी जो फैशन बन गया कि यूट्यूब पर पैसे कमाओ, ब्लॉगिंग में पैसे कमाओ, वो एक जरिया है ना कि मेन चीज़ वो नहीं है, वो एक जरिया है कि हाँ यहाँ से पैसे कमा सकते, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन लोगों का क्या, मेन फोकस पैसे पर ही जा रहा है, इसके लिए सक्सेस नहीं हो पाते। हाँ सक्सेस नहीं हो पाते, और यूट्यूब पे भीड़ भी इसी वजह से इकट्ठी होती जा रही है। लोग देखते हैं कि यार वो बंदा इतने कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है, जो भीड़ इसके लिए आ रही, इतनी मतलब वो है बेरोजगारी है अपने देश में कि लोगों को जहाँ पे दिखता है यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं, लोग वहीं पर टूट जाते हैं, टूट पड़ते हैं, लोग काम को सीखना नहीं चाहते, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। सही बात। तो दोस्तों आज की कुछ यही वीडियो थी, और ये जो भी था मेरा एक्सपीरियंस था, तो कोई ऑफेंड मत होना अगर मैंने कुछ गलत भी बोला हो। हाँ तो देखिए दोनों भाई भाई का ब्लॉग मैं भी सीख रहा हूँ, तो जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं बता रहा हूँ, और जो मेरे अंदर की बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी। सो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतना ही, और भाई के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, तो प्लीज दोस्तों जाके विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो घंटा नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर देना यार। सो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।